सोनोटेक कैसेट्स। बोलो बाबा हनुमान की जय हो। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं दनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं सकल गुण भक्तो एक बार की बात है, बालाजी सूर्य को फल समझकर उसे खाने निकल पड़ते हैं। जो इसे निकलना चाहते हो कौन हो तुम जो राहु का परिचय पूछ रहे हो? चला जा बालक, इसी में तेरी भलाई है। आज ग्रहण है, इसलिए इसे तो मैं आज निगल कर ही रहूंगा। सावधान, ये मेरा भोजन है। समझा रहा हूँ बालक, मान ले मेरी बात और लौट जा अपने घर को। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ही लौट जाना चाहिए। जो मैं करने आया हूँ वो तो मैं करके ही जाऊँगा। सावधान, क्रोधित ना हो बाला। प्रणाम महादेव। यशस्वी भव। इसमें इंद्र का कोई दोष नहीं, ये तो होना ही था। तुम्हारे मुख पर जो उभराव आया है इसी हनु के कारण ही समस्त संसार तुम्हें हनुमान के नाम से जानेगा। यही विधि का विधान है। और इस तरह बालाजी को हनुमान के नाम से जानने लगे। आज समस्त संसार में हनुमान जी के कई पावन धाम हैं, जहाँ हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं।
इन्हीं में से एक राजस्थान में सालासर धाम है। कहानी शुरू होती है सालासर के पंडित सुखराम जी से, जब वो सीकर के रुल्याणी गांव के पंडित लच्छीराम जी की पुत्री कान्ही देवी के साथ विवाह करके आए। ये क्या, आप हमसे नाराज हैं? नहीं। हमसे कोई भूल हो गई? नहीं। फिर हमसे खफा होकर यूं मुंह फेरने का कारण? आप तो हमारे परमेश्वर हैं, आपसे तो हम नाराज हो ही नहीं सकते। मुझे बस चिंता खाए जा रही है अपने सबसे छोटे भाई मोहनदास की। बहना, मोहन, वो ना तो मेरे बगैर रह सकता है और ना ही खाना खाता है। इसमें चिंता की क्या बात है, एक दो दिन में आदत हो जाएगी। आप नहीं जानते, वो मेरे 6 भाइयों में से सबसे अलग है और हनुमान जी का तो पक्का भक्त है। पूरा दिन भक्ति में डूबा रहता है। ऐसा है मेरा भाई मोहन। रक्षाबंधन की बात है, मैंने अपने 5 भाइयों को राखी बांध दी थी और मोहन का इंतजार कर रही थी। समझता क्या है अपने आप को, आने दो, मैं बताऊंगी उसे। क्या बताओगी बहना, बता दो, मैं आ गया। बता दो मैं आ गया, ये कोई समय है राखी बांधने का? अरे बहना, जिस समय बहन भाई को दिल से राखी बांधती है ना, वही समय सबसे अच्छा होता है। अच्छा, पूरा दिन हो गया, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, चूहे कूद रहे हैं पेट में, चूहे। तूने तो भंडारे में पेट पूजा कर ली होगी, मेरे बारे में कुछ सोचता भी है तू? खुद तो खाए पिए घूम रहा है, मुझे भूखे मार दिया। अरे बावली, ये तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे बिना कुछ खा पी सकता हूँ? मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। मोहन, तू कैसा है रे, वचन दे आगे से खान पान का ख्याल रखेगा। हाँ भाई, ये आदत तो डालनी ही पड़ेगी, कल को तेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा ना। मुझे नहीं कराना ब्याह। कान पकड़कर माफी मांगते हैं, मान जाओ। अरे राखी तो बांध दो। कहा ना, नहीं। क्यों करती तू गुस्सा बहना, क्यों करती है तकरार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार। क्यों करती तू गुस्सा बहना, क्यों करती है तकरार, दुनिया में सबसे न्यारा है भाई बहन का प्यार, दुनिया में सबसे न्यारा है भाई बहन का प्यार। जग में जितने रिश्ते नाते ये रिश्ता सबसे न्यारा है, हाँ रिश्ता सबसे न्यारा है, भाई को बहना प्यारी है, बहना को भाई प्यारा है, बहना को भाई प्यारा है, हाँ जाने जग ये सारा है, हाँ माने जग ये सारा है, ये कैसा प्यार तुम्हारा है।
रूठी तू बावली री, जब झूम रहा संसार है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार। क्यों करती तू गुस्सा बहना, क्यों करती है तकरार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार। जब डोली तेरी जाएगी ये आँख मेरी भर आएगी, आँख मेरी भर आएगी, तू छोड़ के मुझको जाएगी, हाँ छोड़ के मुझको जाएगी। बाबुल के घर से जाऊंगी, बचपन को भूल न पाऊंगी, सखियों का संग भी छूटेगा, तू याद बहुत मुझे आएगा, ये सोच के मन घबराता है, तू मुझसे दूर चला जाता है, दिल को कैसे समझाऊंगी, मैं तुझको भुला ना पाऊंगी, तेरे बिन रह ना पाऊंगी, ना छोड़ के तुझको जाऊंगी। सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार है दुनिया में, सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार। ना रूठूं मैं तुझसे भैया, ना कम होगा मेरा प्यार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार, है दुनिया में सबसे न्यारा ये भाई बहन का प्यार। पगली ये तो वही कंगन है जो मैंने मेले में पसंद किए थे। इसका मतलब तूने मेरी खातिर मजदूरी की? अब बातें ही करती रहेगी या राखी भी बांधेगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, चल। अब मुझे वचन दे कि कभी तंग नहीं करेगा। हाँ बहना, मैं वचन देता हूँ तुम्हें कभी तंग नहीं होने दूंगा। तेरे हर सुख दुख में मैं तेरा साथ दूंगा बहना, और हमेशा तेरी रक्षा करूंगा मेरी बहना। सचमुच तुम भाई बहन में बहुत प्यार है। भगवान मोहनदास जैसा भाई हर बहन को दे। इस तरह समय बीतता गया और विरह की वो घड़ी आ गई जिसने कानी के जीवन को आंसुओं के अंधकार में धकेल दिया। अपने 5 वर्ष के बेटे उदय और पत्नी कानी देवी का साथ छोड़कर पंडित सुखराम जी चल बसे और कानी देवी को अपने मायके रुल्याणी में अपने भाइयों के साथ रहते कुछ ही समय हुआ था कि कानी ने अपने ससुराल सालासर रहने का फैसला लिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मोहनदास? आज तक हमारे परिवार में, हमारे पुरखों में कोई भी भाई अपनी बहन के घर जाकर नहीं रहा। लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? बहन बेटी के घर का खा रहे हैं। क्या सम्मान रह जाएगा हमारी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का?
हम पांचों ने ही वहां जाने से इनकार कर दिया है। अक्षमा चाहता हूँ बड़े भैया, अगर बहन पर दुखों का पहाड़ टूटा है तो समाज बहन के दुखों को दूर करने नहीं आएगा, ना ही हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा दुगनी चौगनी बढ़ जाएगी जब हमारी बहन दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ करेगी, लोगों के कपड़े धोएगी, तब हमारी इज्जत का क्या होगा जब हमारा छोटा सा भांजा भूख के मारे तड़फ कर दम तोड़ देगा। मुझे मान मर्यादा प्रतिष्ठा से ज्यादा अपनी बहना प्यारी है। मैं जाऊंगा अपनी बहना के साथ, चलो बहना। राम भाई तुकाराम राम राम भाई राम राम। चार पांच दिन हो गए देखते, ये पंडित सुखराम जी के घर अचानक कौन रहने लगा? अरे भाई, सुखराम जी की घरवाली हैं और मायके से उसका भाई मोहनदास है। बेचारा बहुत ही मेहनती है, सारा दिन खेतों में काम करता है और शाम को अपने भांजे के साथ खेलता है और अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता है। भगवान ऐसा भाई हर बहन को दे। अच्छा भाई, काम करने के बाद कैसे खेलता है? चलो हमें क्या। हड़े, हट, पकड़ के दिखाओ मामा। अभी अभी मैंने बालाजी को देखा। नहीं मामा, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अरे अभी अभी यहाँ इसी जगह। अरे मामा बात मत बदलो, ये क्यों नहीं कह देते कि आप मुझे पकड़ नहीं सकते? अच्छा अपनी हार मान लो मामा। ठहर जा तू। छोड़ना नहीं बेटा। रुक जा शैतान। अरे मोहन ऐसे क्यों खड़ा है? बहना अभी अभी मुझे बालाजी ने पकड़ लिया था। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। माँ मुझे लगता है मामा बावला हो गया, बार बार बालाजी का बहाना बनाकर खेल का सत्यानाश कर दिया। उदय मामा से ऐसे बोलते हैं? माफी मांगो अपने मामा जी से और बालाजी से भी। मुझे माफ कर दो मामा, किंतु अब ये बालाजी कौन है जो दिखाई भी नहीं दे रहे? अरे बुद्धू, हनुमान जी को ही तो बालाजी कहते हैं। हनुमान जी को? हाँ, क्योंकि हनुमान जी बचपन से ही बहुत बलशाली और शक्तिशाली हैं। अच्छा, अगर मामा भांजे की ज्ञान की बातें खत्म हो गई हों, तो खाना बनाने के लिए ये लकड़ियाँ भी काटनी है। अरे बहना, ये लकड़ियाँ तो मैं यूं काट दूंगा क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। ये मामा को क्या हो गया? कई दिनों से देख रहा हूँ, मामा बावला तो नहीं हो गया? मामा
अरे ओ मामा, हैं? ज्यादा तबीयत खराब हो गई है तो आराम कर लो। यूं बार बार किसी के साथ उठक पटक क्यों कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है बेटा, ना जाने कैसी माया है, मैं किसी काम के लिए उठाता हूँ और कोई बार बार मेरे हाथ से छीनकर इसे दूर फेंक देता है। मामा, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लो। अरे नहीं रे उदय। नहीं मामा, आपको मेरी सौगंध, आप आराम कर लो। भाई ठीक है, जैसी तेरी इच्छा बेटा, जीता रहे बेटा, जीता रहे। जय श्री राम। मोहन भाई, काम के चक्कर में तुम तो ईश्वर को भूल ही गए। हाँ बाबा, बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा मुझे क्षमा कर दो। मामा तो सचमुच ही बावला हो गया, अब तो माँ को बता देना चाहिए। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, आपकी सौगंध, इसमें तेरे मामा का कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो अपना सारा जीवन, सारे सुख हमारे नाम कर दिए बेटा, हम ही ने उनके अकेलेपन की तरफ ध्यान नहीं दिया। जा तू सो जा, मैं तेरे मामा से बात करती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। मोहन। हाँ। अरे बहना आओ बैठो। अरे तू तो सोया नहीं? देख मोहन, वक्त कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, जब तू और उदय आंगन में खेला करते थे। तूने बहुत मेहनत की मोहन, खेत खलिहान, उदय का, मेरा, हम सब का बहुत ध्यान रखा। आज हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं, बस एक बहू की कमी है। ठीक कहा बहना, उदय अब ब्याह के लायक हो गया है। मैं उदय की नहीं तेरे ब्याह की बात कर रही ना हूं। बहना ना, मैं ब्याह नहीं करूँगा। पर क्यों? देख बहना, मेरा ये जीवन ईश्वर भक्ति के लिए है, तुम्हारे लिए है, उदय के लिए है। अगर मैं सांसारिक मोहमाया में फंस गया तो मेरे जीवन के ये अहम कार्य अधूरे रह जाएंगे। किंतु ये सब तो ब्याह के बाद भी। ना बहना ना, मेरे भाग्य में ब्याह शादी नहीं है, ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, और वैसे भी मेरे हाथ में ब्याह की लकीर नहीं है। देख मोहन, तेरी खुशी के लिए ही। आप खुश हैं, उदय खुश है, तो मैं भी खुश हूँ। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू मेरी बात कैसे नहीं मानता। किसी ने तेरे लिए एक लड़की बताई है, मैं कल ही नाई काका को वहाँ भेजकर बात चलाती हूँ। वहाँ तो बात नहीं बनेगी बहना। क्यों रे, क्या कमी है अपने में? वहाँ छोरी तो चाल बस ही। मोहन, राम कसम मामा, आज के बाद मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। इतना बोझा इतनी दूर से। राम 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 राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। बेटा, राम का नाम भी लेते हो और कहते हो कि बोझ लग रहा है, बात चची नहीं उदय। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान,
जय श्री राम। आजा बेटा आजा, रख दे। बहना, ओ बहना, जरा पानी लेके तो आ। लगता है मामा भांजा थक गए। अरे बहना, पंडिताइन, हाँ राम राम पंडिताइन। राम राम, कहो बात पक्की कर आए? बात पक्की? अरे पंडिताइन, जैसे ही मैं लड़की वालों के घर पहुंचा, मेरे तो पांव तले की जमीन ही खिसक गई। ऐसा क्या हुआ नाई काका? बेटा, जिस लड़की के साथ रिश्ता तय करने गया था, पता चला वो लड़की रात को ही चल बसी। हाय राम। वहाँ तो बात नहीं बनेगी बहना। ये क्या अनर्थ हो गया? वहाँ छोरी तो चाल बसी। श्री राम जय हनुमान, बोलो सिया राम जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, बोलो सिया राम। कष्ट ये हरने वाला ये ही बलकारी है, भक्तों का है रखवाला ये ही हितकारी है, अपने दिल पे लिख लो जय हनुमान, बोलो श्री राम जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान श्री राम जय हनुमान, बोलो सिया राम। बालाजी के सीने में सीता और राम बसते, विपदा ना कोई आए इनका जो ध्यान धरते, है जहाँ भी राम का नाम वहाँ हनुमान, बोलो सारे राम जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, बोलो श्री राम जय जय राम, सारे बोलो राम। यही लंगूरिया है यही तो बजरंग है, लाल लंगोटे वाला भक्तों के ये संग है, भक्त शिरोमणि कहता जय हनुमान, बोलो श्री राम जय हनुमान, जय हनुमान जय
श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। क्यों रे मोहन, अब तक सोया नहीं? नींद नहीं आ रही थी बहना, सोचा थोड़ी देर बाबा के नाम की माला फेर लूं। वो लड़की चल बसी, कोई बात नहीं, अब कहीं अच्छी जगह ही बात चलाऊंगी। हाँ ना बहना ना, तुझे बहुत चाहिए ना, तो मैंने नागौर के रताऊ गांव के पंडित धनीराम जी की लड़की के साथ उदय की शादी पक्की कर दी है। लड़की सुशील और गुणवान है और सुंदर भी, तुझे तो कोई इनकार नहीं ना? जैसी तेरी मर्जी। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। जाओ बेटा जाओ, सदा खुश रहो। बस बहना, तुझे बहू चाहिए थी ना, मिल गई बहू। तू कैसा है रे मोहन, कभी कभी तो लगता है कि तू ही भगवान है। ना बहना ना, मुझे इतना बड़ा दर्जा ना दो। भगवान के चरणों में ही थोड़ी जगह मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरी भक्ति में कभी कोई त्रुटि ना हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए बहना। वाह रे मोहन, धन्य है भगवान भी और धन्य है भक्त भी। बहना तू बहू के मंगलाचार गा और मैं थोड़ी देर माला फेर लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। आप रहने दो माँ जी, मैं अकेले ही छाट लूंगी। ठीक है बेटी, तू कनक छाट, मैं उदय और मोहन को खाना खिलाती हूँ। हे राम, सबका भला कर। खेती बाड़ी ठीक है रे माँ? इस बार अपनी धान की खेती भी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा बेटा, ये सब तो तेरे मामा की मेहनत है। क्यों बहना, हमेशा मेरी ही तारीफ करती रहती हो, इस बार मुझसे ज्यादा मेहनत उदयराम ने की है। अरे नहीं मामा। श्री नारायण हरे, श्री नारायण हरे। माई दीक्षा दे। आती हूँ बाबा, तनिक हाथ की रोटी तवे पर डाल दूं। मोहन, उदय इधर आओ। क्या हुआ बहना? देखो तो, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं आटा लेकर आई, इतने में ना जाने बाबा कहाँ चले गए। चले गए? हाँ? बाबा, बहना, ये तो मेरे बाबा के पैरों के निशान हैं। क्या? बाबा। अरे नहीं मामा। नहीं नहीं उदय, जरा ध्यान से देख बेटा, ये मेरे बाबा के ही पैरों के निशान हैं। हाँ मामा, ये तो सचमुच ही किसी देवी शक्ति के पद चिन्ह हैं। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी मोहन। बाबा। मैंने बाहर आने में देरी कर दी,
शायद इसलिए ही बाबा हमसे नाराज होकर चले गए। ना बहना ना, मन छोटा ना कर। मेरे बाबा मुझसे मिले बिना तो जा ही नहीं सकते। मेरा मन कहता है एक ना एक दिन बाबा अवश्य ही आएंगे, अवश्य ही आएंगे। मुझे वचन दे मोहन कि जब भी तू बाबा से मिलेगा मुझे भी उनके दर्शन कराएगा। हाँ बहना, मैं वचन देता हूँ कि मैं बाबा को घर अवश्य लेकर आऊंगा। उदय, तू ऐसा कर बेटा कि बाबा के पैरों की मिट्टी मेरे कक्ष में पूजा पाठ की जगह रखवा दे बेटा। ठीक है मामा जी। जय श्री राम, जय हनुमान। आज 2 महीने हो गए रे, बाबा ने दर्शन नहीं दिए। लगता है बाबा हमसे रूठे हुए हैं। बहना, मेरे बाबा जी आ गए, आ गए मेरे बाबा जी। तो सच कहे है रे। श्री नारायण हरे, श्री नारायण हरे। माई भिक्षा दे। देखा बहना, मैं कह रहा था ना, ये मेरे बाबा की ही आवाज है। रे बावली जल्दी आ जा, आ जा बाबा। बाबा, बाबा। मोहन, बाबा जी तो इस बार भी नहीं रुके रे। मैं देखता हूँ बहना, आज मैं बाबा को जरूर लेकर आऊंगा। बाबा, 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 रुक जाओ बाबा। अपने भक्त को छोड़कर मत जाओ बाबा। कहो क्या कष्ट है बेटा। अनजान मत बनो बाबा, मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे कर्ता धर्ता है, आप ही मेरे भगवान श्री हनुमान है। ये कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहा है नादान। मैं और भगवान, क्या भगवान भिक्षा मांगते फिरते हैं? मुझे बहला कर जाना चाहते हो, अपने भक्त को छोड़कर जाना चाहते हो? जा, चला जा, नहीं तो पत्थर का बना दूंगा। पत्थर का क्यों, मिट्टी का बना दो बाबा, ताकि आपके चरणों से लिपटा रहूं। छोड़, जाने दे मुझे बाबा। तेरा भक्त बुलाता है, ये गरीब बुलाता है, एक बार चले आओ। तेरा भक्त बुलाता है, एक बार चले आओ। बस आखिरी इच्छा है, मेरी आखिरी इच्छा है, तुम दर्श दिखा जाओ। मेरी आखिरी इच्छा है, तुम दर्श दिखा जाओ। ये गरीब बुलाता है, एक बार चले आओ। जन्म का नाता है, इस जग की रीति को, इस जग की रीति को ना तोड़ के तुम जाओ। तेरा भक्त बुलाता है, एक बार चले आओ। ये गरीब बुलाता है, एक बार चले आओ।
बाबा चाहे जितनी परीक्षा लो नाराह से भटकूंगा नाराह से भटकूंगा कर राह दिखा जाओ तेरा भक्त बुलाता है एक बार चले आओ ये गरीब बुलाता है एक बार चले आओ विश्वास है तुझसे मेरा विश्वास है तुझसे मेरा मुख मोड़ के ना जाओ तेरा भक्त बुलाता है एक बार चले आओ तेरा भक्त बुलाता है एक बार चले आओ ये गरीब बुलाता है एक बार चले आओ बाबा बाबा तो नहीं मानेगा भक्त तो भक्त होते हैं बाबा आप चले जाइए किंतु मैं भी घर नहीं जाऊंगा या तो आपको लेकर जाऊंगा या फिर प्राण ही त्याग दूंगा ये कैसी बातें कर रहा है मोहन मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था सचमुच तू भक्त शिरोमणि है रे तू जीत गया मैं तेरे साथ अवश्य चलूंगा किंतु क्या बाबा वहाँ मैं शुद्ध आसन पर ही बैठूंगा और खीर चूरमा मिश्री का ही भोजन करूंगा आप चलिए तो सही बाबा मोहनदास अपना हृदय निकाल कर बिछा देगा चलो अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानाम धीसं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि मोहन तुम दोनों भाई बहन का प्यार निस्वार्थ भावना और सच्ची भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ मांगो क्या वर मांगते हो बस धनी के दर्शन हो गए आशीर्वाद मिल गया हम तो तर गए बाबा अगर आप अपने वास्तविक रूप में आ जाएं तो जीवन धन्य हो जाए बाबा जय श्री राम जय बजरंगबली मोहन अब तू अपनी बहन और भांजे की चिंता मत करना मेरा आशीर्वाद सदैव इन पर बना रहेगा बाबा अपने दास पर एक कृपा और कर दो बाबा सालासर वासियों पर भी आपका आशीर्वाद सदा बना रहे बाबा मोहन तेरा हृदय साफ और तेरी आत्मा पवित्र है तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा अगर तू यही चाहता है तो सुन मैं जल्दी ही तेरे पास आऊंगा और सदैव सालासर में निवास करूंगा
निस्वार्थ भक्ति भाव और सच्चे मन से जो भी मेरे दरबार आएगा मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। बहना, अब तो स्वयं बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब मैं चिंता मुक्त हूँ। अब मुझे भी आज्ञा दो बहना, ताकि मैं सारी मोह माया को त्याग कर हर पल बाबा की भक्ति में सराबोर रहूं। लेकिन मोहन। ना बहना ना, ये मत सोचना कि मैं सालासर त्याग रहा हूँ। मैं तो यहीं इसी पावन धरती पर रहकर बाबा का अलख जगाऊंगा। उदय बेटा। जी मामा। बाबा के पैरों की मिट्टी लेकर आ बेटा, जो उस दिन पूजा पाठ की जगह रखवाई थी। बस अब मैं उसी मिट्टी से ही अपना धुना बनाऊंगा। जय श्री राम। जय हनुमान। 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 बापू, बापू, ओ बापू। अरे क्या हो गया बापू? वो सांगरी के पेड़ के नीचे बाबा मोहनदास जी आंख बंद करके बैठे थे और अचानक अपने आप ऊपर उठ गए। उनमें चमत्कारी शक्ति है। वो बावड़िया और चमत्कारी शक्ति? अरे थारा दिमाग तो खराब ना हो गया? यो थारा भरम है। जा जल्दी सांगरी तोड़ के लिया, आज सांगरी की सब्जी खानी है। अगर बाबा ने गुस्सा किया तो? अरे उस बावड़िए तक के डरना, वो कोई भूत प्रेत से जो तेरे चिपट जाएगा या फिर खा लेगा तने। वो जा जल्दी, नी मार खावेगा। ठीक है बापू। हे भगवान, बापू से बहुत डर लगता है। चमत्कारी शक्ति है बावड़िया। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। कौन हो तुम और वहां इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? ये तो नादान है। घबराओ मत बेटा, आराम से नीचे आओ। बेटा, इस तरह चोरी छिपे चढ़कर तुमने सांगरी तो तोड़ ली, किंतु सांगरियों की जगह तुम भी गिर सकते थे। बेटा चोरी करना पाप है, और वैसे भी इन सांगरियों की वजह से मेरा ध्यान भंग हुआ है, अब ये किसी काम की नहीं रही। किंतु बाबा, अगर मैं ये सांगरी घर नहीं ले गया तो बापू की मार पड़ेगी। मेरे बापू ने ही मुझे यहाँ भेजा था, मैं तो मना कर रहा था, लेकिन बापू बोले सांगरी जरूर लाना। वो बावड़िया तेरा क्या बिगाड़ लेगा? देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा सो कहा, कोई बात नहीं। अब ये सांगरी तुम टीबे में गाड़ जाना, हो सकता है कि ये फूल बन जाए, किंतु ध्यान रहे ये सांगरी कोई खाए नहीं, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है बाबा। अगर मैं ये सांगरी घर नहीं ले गया तो बापू की मार पड़ेगी। मैं ऐसा करता हूँ, पहले इन्हें घर ले जाकर बापू को सारी बात बताता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उस बावड़िए ने बहका दिया कि सांगरी खाने वाला मर जाएगा। जो काम बावड़ा है जो सांगरी की सब्जी खावे है। लेकिन बापू। चुप, मैं खाऊंगा इन्हें, मेरे कुछ ना हुए। जा सब्जी बनवा दे इनकी। आया है चाल के। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान। बाबा। जय श्री राम। बाबा। जय हनुमान। बाबा, बाबा, मेरे बापू ने जिद करके सांगरी की सब्जी खा ली, और सब्जी खाते ही उनका शरीर शांत हो गया बाबा। बस बस बेटा, चुप हो जा बेटा,
चुप हो जा, होनी को कौन टाल सकता है, होता तो वही है जो विधाता चाहता है। अपने आप को संभाल बेटा, जो चला गया वो वापस नहीं आता। लेकिन बाबा, कोई भी संकट, कोई भी दुख उसके नाम मात्र से ही दूर हो जाता है। सो बेटा, उसका नाम ले, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। ये तुम्हारे बस की बात नहीं श्रीमान। मैंने कहा ना कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। चाहो तो मैं सहायता कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ बेटा, किंतु ये पत्थर बहुत भारी है। अरे ये पत्थर तो बहुत भारी था, इसे कैसे उठाया? उठाया भी और फेंका भी। चार चार भैंसों का दूध पीता हूँ, बहुत ताकत है। अच्छा, विश्वास नहीं होता तो हो जाए दो दो हाथ। मैंने कहा ना, तुम अभी छोटे हो। लगता है डर गए श्रीमान। अरे भाई, इसमें डरने की क्या बात है, तुम छोटे हो इसलिए। मैं कौन सा दुश्मनी से लड़ने को कह रहा हूँ, खेल व मित्रता की भावना से ताकत को ही तो आजमाने को कह रहा हूँ। तो तुम नहीं मानोगे? बाबा, 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 मुझे क्षमा करे बाबा, मैं अज्ञानी आपको पहचान न सका बाबा। विलाप क्यों करता है रे पगले, मैं तो तेरे साथ खेलने आया था। किंतु बाबा, मैं तो आपका दास हूँ, फिर भला आपका मेरा क्या मुकाबला। तू नहीं जानता मोहन, तू हार कर भी सब कुछ जीत लेता है, दूर रहकर भी सबको पास बुला लेता है। अपने व्यक्तित्व और अपनी भक्ति से सबको मोह लेता है। नहीं भगवान नहीं, मुझे ज्ञानी को इन सब बातों का क्या ज्ञान, मुझे तो बस एक ही बात आती है, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। एक बात समझ में नहीं आई मामा, आप कह रहे हो कि गडरिये के साथ खेलते हुए लग गई, लेकिन एक गडरिया आपकी पिटाई कर दे, मुझे यकीन नहीं हो रहा मामा। दाल में कुछ काला है,
बेटा उदय, न दाल में काला है न दाल काली है रे बेटा, तू बस चुपचाप आ सिकाई कर दे और सुन, कान्ही को कुछ मत बताना, नहीं तो वो आसमान सर पर उठा लेगी। आ आराम से बेटा, आराम से। आ, 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 आ। कोई पांव छोटा कोई पांव बड़ा है। हाँ, ये निशान किसी साधारण व्यक्ति के नहीं हो सकते। मुझे तो ऐसा लगता है ये किसी देवता के पद चिन्ह है। इसका मतलब मामा जी का किसी देवता से साक्षात्कार हुआ है। अरे उदय, अब मोहनदास जी की भक्ति से देवी देवता भी आने जाने लगे हैं। अब मोहनदास जी भी सिद्ध महात्मा बन गए हैं। सचमुच मामा जी जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। कई बार तो लगता है कि हमारे बीच मामा जी नहीं बल्कि खुद भगवान चलकर आ गए हों। जय मोहनदास की। जी सरदार, चलो। ठाकुर साहब, हम खून खराबा नहीं चाहते, लेकिन अगर शाम तक राशन और मुद्राएं नहीं पहुंची, तो सरदार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। बाबा, बाबा, मुझे बचा लो बाबा। क्या हुआ सालम सिंह जी, सब ठीक तो है? कहीं कोई डाकू वगैरह तो नहीं घुस आए? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, सब बातें जान लेते हैं। सचमुच डाकू ही तो घुस आए हैं। और उन्होंने धमकी दी है बाबा कि अगर शाम तक भरपूर राशन और मुद्राएं नहीं दी तो सब कुछ नष्ट कर देंगे। मूर्ख हैं, काम काज करते नहीं हैं, बेकार में लोगों को लूटते फिरते हैं। तुम ऐसा करो, ये झंडा ले लो, इसे अपने बाण में लगाकर जिस दिशा में डाकू हैं उसी दिशा में चला दो। ये लूटपाट छोड़कर शायद कोई काम करने लगे। जय श्री राम। जी बाबा। जय हनुमान। जय हनुमान। बालाजी महाराज। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान, जय जय हनुमान। बाबा, आपकी कृपा से ये संकट भी दूर हो गया, आप धन्य हैं बाबा। नहीं नहीं सालम सिंह जी, ये सब तो मेरे बाबा बजरंग बली की कृपा है। हाँ, बाबा का मंदिर बनवाना है, आप किसी अच्छे कारीगर को मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दो। जैसी आपकी इच्छा। जैसी बाबा की इच्छा। दीवान जी, हुक्म। कल ही असोटा जाकर किसी अच्छे मूर्तिकार को ये काम सौंप दो। जी मैं समझ गया, समझो काम हो ही गया। और कोई आदेश महाराज? बस ये काम हो जाए तो ये माटी धन्य हो जाए,
जय श्री राम, जय हनुमान। चले हट। अरे पहले बहुत देर हो चुकी है और तुम इतना आहिस्ता आहिस्ता चलोगे तो कैसे बात बनेगी। अरे चलना। अरे हे भगवान, अभी पूरा खेतियों का यूं पड़ा है और ये हल यही फंस के खड़ा हो गया। मरे अरे इतना भारी पत्थर, इस पत्थर ने भी हमारे खेत में निकलना था। पूरी धरती यूं क्यों पड़ी से? चल तने बाहर का रास्ता दिखाता हूं। मर गया। सुनो होकी, रोटी कोनी खानी? काम कोनी होवे तो मत कर, पर पेट दर्द का बहाना तो मत बनाओ। अरे बावड़ी, मैं मरे जा रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। अच्छा, इस तरह झुककर पेट पकड़े रहोगे तो कमर में भी दर्द हो जाएगा। हंसले कर ले मजाक, और मुझे कुछ हो गया ना फिर रोइयो मत। राम, आप तो सचमुच। देख ये पत्थर उठाकर बाहर फेंक रहा था, फेंकना तो दूर, उठाते उठाते पेट में दर्द हो गया। ये देखो। ओहो, ये तो बाबा की मूर्ति है। जय बाबा की। हाथ जोड़कर माफी मांग लो। हे बाबा, मैं अनजान था, आपको सामान्य पत्थर समझकर खेत से बाहर फेंकना चाहता था। मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। मैं ठीक हो गया। सच? मैं ठीक हो गया, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा। मूर्तिकार जी, ठाकुर साहब, सालासर से कुंवर जी का संदेशा आया है कि हनुमान जी की एक मूर्ति बनवाई जाए। यूं समझो ठाकुर की बात चाकर की समझ में आ गई। ठाकुर साहब की जय हो। ठाकुर साहब, मोटाराम के खेत से हनुमान जी की मूर्ति निकली है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, चलो चलकर देखते हैं। जय हो बजरंगबली जी महाराज की, जय हो। हाँ? अरे भगवान, धन्य हो गए हम, आसोटा के धनी स्वयं यहाँ आए हैं। धन्य हो गए रे मारे धनी, धन्य हो गए हम। अरे भगवान, आज का दिन कितना शुभ है, जो भगवान के दर्शन हो गए और आसोटा के ठाकुर साहब के भी। मोटा राम जी, मैंने सुना है कि आप सो का सो सुना है मालिक, मारा तो जीवन सफल हो गया, धन्य हो गई आसोटा की माटी। मोटा राम जी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या ये मूर्ति मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ? जी जमीन से निकली हुई हर चीज पे राजा का अधिकार हो, और आप तो आसोटा के धनी हो।
मारे तो राजा हो, जैसी आपकी इच्छा। बस बस मोटाराम जी, आप जैसे महान विचार वाले लोगों की वजह से ही एक ना एक दिन असोटा का नाम इतिहास में जरूर होगा। भले आदमी, काम अधूरा छोड़कर चैन की नींद सो रहे हो। कल सुबह मेरी प्रतिमा सालासर में भक्त मोहनदास के पास पहुंचा देना। जय हनुमान। मोहन, मैंने वचन दिया था कि मैं सालासर में अवश्य आऊंगा। उसी वचन को निभाने के लिए मैं स्वयं पत्थर की मूर्ति में आ रहा हूं। बाबा, मैं तो धन्य हो गया रे मेरे बाबा। बाबा का स्वागत जोर शोर से होना चाहिए, धूमधाम से होना चाहिए।
जीवन पार तुमको चाहेंगे। आएंगे आएंगे बजरंगी आज मेरे आएंगे। आएंगे आएंगे बजरंगी आज मेरे आएंगे। बेसब्री से करता हूँ मैं तेरा ही इंतजार बालाजी, तेरा ही इंतजार बालाजी, तेरा ही इंतजार बालाजी। ना मांगू मैं कुछ भी तुझसे, चाहूँ तेरा दीदार बालाजी, चाहूँ तेरा दीदार बालाजी, चाहूँ तेरा दीदार बालाजी। दिल के अंदर खुशी है भारी, आ गई आज मेरी बारी। दिल के अंदर खुशी है भारी, आ गई आज मेरी बारी। आज खुद को रोक न पाए तुमको मनाएंगे। आएंगे आएंगे बजरंगी आज मेरे आएंगे। 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 रोको सोमनाथ, मंदिर और बन जाए बस बस। हम तो धन्य हो गए रे मेरे बाबा, हम तो धन्य हो गए। प्रणाम बाबा। हाँ आ, आ। संभल के, क्या हुआ बेटा जोरावर? बाबा मेरी कमर में एक अधेड़ घाव है, लाख जतन किए परंतु घाव ठीक नहीं हुआ। बेटा आज बड़ा शुभ दिन है, जाओ बाबा की दर्शन कर लो, हो सकता है ये घाव ठीक हो जाए। जाओ बेटा जाओ। हाँ तो सालम सिंह जी, अगर यहाँ बाबा का बंगला बनवाया जाए और फिर सुबह शाम बाबा के नाम की आरती हो बस। हे बाबा, मुझ दुखी पर भी दया करो, मैं इस अधेड़ घाव से बहुत परेशान हूँ। जय बाबा की। लीजिए ठाकुर साहब, आज आपको रगड़ रगड़ कर नहलाएंगे ताकि सारी थकान दूर हो जाए। अरे जरा ध्यान से लाखन, तुम्हें पता है ना मेरी कमर में अधेड़ घाव है। किंतु ठाकुर साहब, कमर में घाव तो कहीं नहीं है। हाँ एक निशान तो है। क्या कहा, घाव नहीं है? है सचमुच? हाँ ये तो चमत्कार हो गया। जय बाबा हनुमान, जय बाबा मोहनदास की, बाबा की जय हो। सब ठीक तो है बेटा? बाबा मेरा घाव बिल्कुल ठीक हो गया है, अब कोई दर्द नहीं है बाबा, आपकी दया से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ बाबा। बेटा तुम मेरी नहीं बाबा की कृपा से ठीक हुए हो। बाबा मैं बजरंगी का बंगला बनवाना चाहता हूँ। आप जल्दी से कोई अच्छा कारीगर बुलवा कर काम शुरू करवाएं। जैसे जैसे सामग्री और धन की आवश्यकता होगी मैं स्वयं लेकर आता रहूँगा। बेटा बंगला तो सालम सिंह जी भी बनवाना चाहते हैं, किंतु ये काम तुम्हारे हाथों लिखा है तो यही सही। मैं एक ऐसे कारीगर को जानता हूँ, ये काम नूर मोहम्मद ही कर सकता है। लेकिन बाबा एक मुसलमान के हाथों
तू तो बावला है रे जोरावर, ये सब तो हमारे बनाए हुए धर्म है, उसकी नजर में सब एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई निर्बल ना कोई बलवान। बाबा आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जैसा आप चाहो वैसा करो। मैं आज ही किसी को भिजवा कर नूर मोहम्मद को बुलवा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हो नूर मोहम्मद जी? सब खैरियत है भाई, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबा मोहनदास जी ने याद किया है, भवन का निर्माण जो करना है। अरे भाई मेरे तो पहले ही हालात ठीक नहीं हैं, ऊपर से बाबा ने याद किया है, घर में खाने के लाले पड़े हैं और फक्कड़ फकीर का बुलावा, वो क्या खाएंगे और क्या खिलाएंगे? सोच लो नूर मोहम्मद, चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही, या तो अपनी मर्जी से चलो या फिर मेरी मर्जी से। जय बाबा मोहनदास की। जी जी मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला की मेहर है जो बाबा ने याद किया है, खाली तो आप वैसे भी हैं। जरा जाकर तो देखिए, क्या पता ये भुखमरी के दिन ढल जाएं। अरे जाने से इनकार नहीं, मगर चलो मैं अभी चलता हूँ। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। आदेश महाराज। अरे नूर मोहम्मद आओ बेटा आओ बैठो। अरे भले आदमी, कभी कभार तो फक्कड़ फकीरों के दर्शन भी शुभ होते हैं। फक्कड़ फकीर? बाबा मैं कुछ समझा नहीं। चलो छोड़ो बेटा, ये बताओ घर पर सब खैरियत तो है? जी बाबा सब खैरियत है। चलो बेटा चलो, ये लो बेटा, और देखो सीधे घर जाना, भाई काम काज तो ऐसे ही चलते रहते हैं, आज ठीक ठाक तो कल मंदा, लेकिन भले आदमी घर पर राशन तो होना चाहिए, भाई बच्चे हैं भूख कैसे सहन करेंगे, जाओ पहले घर पर राशन वगैरह दे आओ। मुझ अज्ञानी को क्षमा करे बाबा, आप तो दिल की जान लेते हो, मैं बुद्धिहीन आपके बारे में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल गया, मुझ बुद्धिहीन को क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। चुप हो जा बेटा, गलती भी इंसान से ही होती है, अगर इंसान से गलती ना हो तो वो तो भगवान बन जाएगा बेटा। जाओ बेटा घर पर राशन वगैरह दे आओ, एक दो दिन में काम भी शुरू करना है। एक दो दिन क्या बाबा, मैं कल ही दाऊ को लेकर यहाँ आ जाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा कारीगर है। भाई देखो नूर मोहम्मद, ये काम कैसे कराना है और देखो किससे कराना है ये तो जानो तुम, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि जय श्री राम, जय हनुमान। अच्छा बाबा चलता हूँ। खुश रहो बेटा, देखो बेटा अब तो मंदिर का काम शुरू हो जाए, बस तब जी में जी आए। बेगम, ओ बेगम, अरे भाई कहाँ हो, जरा इधर तो आओ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? खैरियत है, सब खैरियत है, ये लो राशन, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना लो। लगता है बाबा ने सुन ली। सुन ली? अरे वो तो दिल की बात जान लेते हैं। तू ठीक कहती थी, बाबा सचमुच ही कोई महान आत्मा है। मैं तो बाबा को बहुत मानती हूँ। जय बाबा मोहनदास। बेगम हा? जब तक तुम खाना बनाओ
मैं जरा कल के लिए दाऊ को कहकर आता हूँ। ऐसा बंगला बनाऊंगा कि बाबा खुश हो जाएंगे। अच्छा जी। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहम् धनुज वन कृशानं ज्ञानी नामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानरानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि बालाजी भक्त मोहनदास जी की जय हो। हाँ, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, सिक्कर नरेश राव राजा देवी सिंह जी स्वयं पधारे हैं। आप तो अपनी जन्मभूमि बलारा गांव पुत्र गोद लेने जा रहे थे ना, फिर भला यहाँ कैसे पहुँच गए? जैसा सुना था वैसा ही पाया। बाबा आप तो हृदय की बात जानते हैं, मैं अपने काफिले के साथ हाथी पर बैठा बलारा गांव जा रहा था। रास्ते में ढोलास गांव के निकट एक पेड़ की डाली मेरे सामने आ गई, जिसे मैंने कटवाने का आदेश दिया, लेकिन जब वापिस आने तक भी उसे नहीं काटा गया तो मुझे क्रोध आ गया, जिससे बाबा गरीब दास जी का ध्यान भंग हो गया। क्यों ध्यान भंग करता है? जा ले जा तेरे रगड़िए को। मुझे क्षमा करें बाबा, मैं आपकी शक्ति से परिचित नहीं था। आप तो महाशक्तिवान हैं बाबा, मुझ अभागे पर भी कृपा करो, मैं निसंतान हूं। देखो सिकर नरेश, इस समय मैं ध्यान मग्न हूं, तुम सालासर चले जाओ, वहां तुम्हें मोहनदास जी मिलेंगे, उनके पास से तुम्हें निराशा नहीं मिलेगी। प्रणाम बाबा। देखो देवी सिंह जी, मैं तो केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, करना ना करना, होना ना होना, सब उसके हाथ में है। आप एक नारियल बाबा को अर्पण कर दें और उसी नारियल को जाल वृक्ष से बांध दें। हाँ, दुजोद गांव के आपके संबंधी महोवत सिंह जी की पुत्री से विवाह कर लीजिए, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपके कुल की मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। बाबा मैं इस शुभ कार्य को अभी करना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। कष्ट ये हरने वाला ये ही बलकारी है, भक्तों का है रखवाला ये ही हितकारी है, अपने दिल पे लिख लो जय हनुमान, बोलो श्री राम, बोलो सिया राम। ओ
माँ, बहुत दिन हो गए मामा जी घर नहीं आए, तू कहे तो मामा जी को घर ले आऊं। माँ, 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 माँ। बहना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बहना, रीबावली रुक जा, रीबावली रुक जा। बहना, तो बता तेरे सिवा था कौन इस दुनिया में मेरा, एक तू ही तो थी जो मेरी एक मेरी बहना ही तो थी, एक मेरी बहना ही तो थी इस दुनिया में मेरी, जो मेरी माँ के समान थी। रे बावड़ी, तेरे कारण ही तो मैं साला सर में आया था, ले रे मोहन, खाना खा, ले मोहन, खाना खा ले। रे मोहन, तू तो बावला है रे मोहन, तू बावला है, तू बहुत भोला है, भोला है, मुझे तेरी बहुत चिंता है, और अब इस तरह छोड़ के सारे रिश्ते नाते तोड़ के चली गई। दादी, मोहन, बाबा, मेरी बहना मुझे छोड़कर चली गई, बाबा छोड़कर चली गई। रे बावलिया, तू इस तरह विलाप करेगा तो उदय और उसके बच्चों को कौन समझाएगा? और देख, ये तो संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और तेरी बहना तो अमर हो गई है रे। जा, अपनी बहना का क्रियाकर्म कर, उदय और उसके बच्चों को धीर बंधा। भक्त शिरोमणि, बाबा मोहन दास की जय हो। बाबा, आपके आशीर्वाद से 10 महीने में ही मुझे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। रे, मैं कौन हूँ किसी को कुछ देने वाला, सब कुछ वही देते हैं, मेरे बाबा देते हैं। बाबा, मैं सालासर धाम के लिए कुछ भूमि दान देना चाहता हूँ, और
उस भूमि पर भक्त जनों के लिए भवन निर्माण करवाना चाहता हूँ। जैसी बाबा की इच्छा। बेटा ईश्वर। जी बापू। सुन जरा बेटा, जल्दी जा और एक मोहरों वाला घड़ा ले आ बेटा। मोहरों वाला घड़ा? ठीक है बापू। इसका मतलब है काफी सोना होगा, चांदी होगी, जवाहरात होंगे। लो बापू, यही वाला घड़ा है ना। किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो काट के रख दूंगा। ये मोहरों वाला घड़ा मेरा है, इसमें जो कुछ भी है मेरा है। लेकिन भले आदमी, इसका नाम मोहरों वाला घड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो खाली है। केसर सिंह के साथ धोखा। बाबा बाबा, अनर्थ हो गया बाबा, अनर्थ हो गया। क्या बात है, क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? बाबा मैं लकड़ी काट रहा था, मैंने देखा पटोदा के डाकू केसर सिंह ने उदयराम पर हमला कर दिया, वो पूरी तरह से घायल हो गए हैं। उससे कहो कि ठीक से दवा करे, मलहम का लेप लगाए। जाओ। क्षमा करें बाबा, छोटा मुंह और बड़ी बात। याद करो बाबा, आपने अपनी बहन कहानी देवी को ये वचन दिया था कि उदय और उसके परिवार का ध्यान रखूंगा। आज वे मुसीबत में हैं, आप घर नहीं जा रहे क्योंकि आपकी बहन कहानी नहीं रही। बस, क्या उदय आपके लिए कहानी देवी की निशानी नहीं है? क्या उदय आपकी? बस करो केसर सिंह, ये तूने ठीक नहीं किया। मेरे लिए मेरी बहन कान्ही का लाडला उदय मेरे जीवन से भी ज्यादा अनमोल है, तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। ठहरो गुरु भाई मोहनदास, ठहरो गुरु भाई मोहनदास, तुम ये क्या करने चले? तुम नहीं जानते गुरु भाई राघवदास, उस डाकू केसर सिंह ने मेरे भांजे को। हम जानते हैं, लेकिन जो कार्य तुम करने जा रहे हो वो साधु संतों को शोभा नहीं देता। तुम तो महाज्ञानी हो, तीव्र बुद्धिमान हो, फिर भला तुम्हारी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? तुम तो क्षमा दान देने वाले अहिंसा के पुजारी हो, इस तरह आवेश में आना ठीक नहीं। सब कुछ अपने इष्ट देव प्रभु बालाजी महाराज पर छोड़ दो। रही बात केसर सिंह की, उसे तो मैं श्राप दे चुका हूँ, अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। जाओ और अपने भांजे उदय राम को संभालो। बापू, बापू, बापू। बेटा उदय। मामा जी, आप? बस बस बेटा बस, तू ठीक तो है बेटा? हाँ मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लगा जैसे कोई अलौकिक शक्ति मुझ में समा गई हो, जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया मामा जी। फिर तो ये जरूर मेरे बाबा की कृपा है। बेटा तू ऐसा कर, मेरे साथ चल बेटा, और देख सबको इकट्ठा कर ले, कोई जरूरी काम है। ठीक है मामा जी, मुनाइदी करा देते हैं जिससे सब इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है बेटा, शाबाश, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा दर्शन तो, दर्शन तो मेरे बाबा।
मोहन, क्या संकट है रे? क्यों दुखी है? हे बाबा, आप अपने इसी रूप में मूर्तिवान होकर साला सर पर अपनी कृपा दृष्टि कर दें, जिससे सभी भक्तों का कल्याण हो जाए। ये तुझ जैसे सिद्ध पुरुषों की धरती है मोहन, मैं इस पावन धरती सालासर में सदा विद्यमान रहूंगा। और जो भी भक्त सच्चे मन से मेरे दरबार आएगा वो खाली नहीं जाएगा। जय श्री राम। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अपना चोला उदयराम को दे रहे हैं? क्या इतनी जिम्मेदारी ये संभाल पाएगा? क्यों नहीं संभालेगा, मेरे साथ रहा है, मैं जानता हूं इसे, अपनी जिम्मेदारी भली भांति संभाल सकता है। किंतु भक्त शिरोमणि, हाँ? आप ब्रह्मचारी, ये गृहस्थी, भला ये आपके चोले का तेज सह पाएगा? बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, मेरे भांजे को ये चोला ग्रहण करने दे। हाँ, जब भी ये आपकी सेवा में होगा तो ये प्रत्येक पालना करेगा। बेटा उदयराम जी, मामा जी, इस भवन में आने वाला प्रत्येक आदमी, चाहे वो छोटा है बड़ा है, ऊंच है नीच है, कभी किसी में मतभेद ना होने देना। इस चोले को तेरे वंशज ही ग्रहण करके यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। यहाँ चढ़ाया हुआ घी और नारियल कभी किसी और कार्य में ना लिए जाएं। बेटा मुझे वचन दे, मुझे वचन दे कि तू साला सर की पावन धरती पर सदा सेवा करेगा। मैं वचन देता हूँ मामा जी, मैं सदैव यहाँ सेवक बनकर सेवा करता रहूंगा। बस बस बेटा बस, तूने मेरा मान रख लिया, अब मैं चिंता मुक्त हूँ। देखो भाई, मेरा जो कार्य था मैंने पूरा किया, अब आप सभी पर बाबा की कृपा है। भला अब इस शरीर को लिए लिए फिरने से क्या फायदा, और वैसे भी बहन कानी के जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता। अब मैं इस संसार की मोह माया से मुक्ति लेकर इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। लेकिन बाबा। बस बेटा बस, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए बाबा में विलीन होना चाहता हूँ। कल सुबह भजन मंडली के साथ मुझे विदाई चाहिए। जैसे आपकी इच्छा बाबा, चलो चलो भजन कीर्तन की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। जय श्री राम, जय हनुमान।
जग से भर गया मन, इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। प्यासा मैं दर का तेरे, प्यासा मैं दर का तेरे, आके गले लगा ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन। जग चाहे रूठ सारा, जग चाहे रूठ सारा, तुमको हम मना ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन। मोती ना मांगू हीरे मोती, मुझे दास तू बना ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन। अभी सांसें चल रही हैं, अभी सांसें चल रही हैं, अपना मुझे बना ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन, अपनी शरण बुला ले। इस जग से भर गया मन। और इस तरह बाबा मोहनदास जी हमेशा के लिए बाबा हनुमान जी में विलीन हो गए और सालासर सालासर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज यहाँ
समस्त संसार से भक्त जन आते हैं और बाबा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बाबा हनुमान की जय हो।